वेलकम फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम मेडिकल स्टोर वर्सेस कॉस्मेटिक स्टोर का कंपैरिजन करने वाले हैं। इस टॉपिक के लिए ये सारे कमेंट मुझे मिले। तो चलिए, सबसे पहले हम अगर फील्ड की बात करें तो मेडिकल स्टोर जो है एक टेक्निकल फील्ड होता है और कॉस्मेटिक का जो स्टोर होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। यानी कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, जो एक फार्मा एजुकेशनल आपके पास डिप्लोमा होल्डर होना जरूरी है। कॉस्मेटिक की शॉप ओपन करने के लिए आपको ऐसी कोई डिग्री होने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप जब तक किसी और दूसरे शॉप में जॉब नहीं करते हैं या फिर मेडिकल फील्ड के नहीं है, तब तक आप एक अच्छा मेडिकल स्टोर खोल नहीं पाएंगे, और अगर खोलते भी हैं तो ज़्यादा चलने वाले नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा जरूरत है। कॉस्मेटिक की शॉप ओपन करने के लिए ऐसे किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक दो महीने कहीं और जॉब करके इस पूरे प्रोडक्ट को आप सीख सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको डॉक्टर की पर्ची समझ आनी चाहिए, उसकी लिखावट समझ आनी चाहिए, दवाइयों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें जॉब नहीं रहता है, आपको केवल दवाई देना होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप कॉस्मेटिक शॉप ओपन कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, नई नई चीज़ें लॉन्च होती रहती है, तो आप उन चीज़ों को अपने शॉप में रख सकते हैं। और इसमें सबसे आसान बात यह है कि जो भी प्रोडक्ट खरीदने आते हैं वो कस्टमर को खुद को पता रहता है कि ये इसका नाम क्या है, वो वर्क क्या करता है, तो आपको बस निकाल के देना होता है। टाइमिंग की अगर बात करें तो इन दोनों स्टोर में सेम टाइमिंग है, आप अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि प्रॉफिट जब तक आपको समझ नहीं आएगी आप शॉप ओपन नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता देता हूँ कि चाहे वो मेडिकल स्टोर हो या फिर कॉस्मेटिक स्टोर, इन दोनों में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल स्टोर में कई कई दवाइयाँ ऐसी होती है जिसको खरीदने में होलसेल जो रेट होता है वो काफ़ी कम होता है और जो सेलिंग प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा रहता है। सेम वैसा ही कॉस्मेटिक में भी है, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। कई प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिसकी प्राइस काफ़ी कम रहती है होलसेल में और सेलिंग उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रॉफिट के मामले में ये दोनों ही स्टोर बेस्ट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मेडिकल स्टोर वर्सेस कॉस्मेटिक स्टोर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कंपैरिजन वीडियो देखना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।